असम में रेलवे ट्रैक पर आए दिन हाथियों के आने से अक्सर हाथी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते थे, जिससे न सिर्फ वन विभाग की नींद उड़ी हुई थी बल्कि रेलवे प्रशासन की भी नाक में दम हो गया था। इस समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे ने प्लान बी पर काम किया और वो सफल होता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से ये दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं, जिसका श्रेय रेलवे के प्लान बी को जाता है। आपको बता दें कि रेलवे की इस तरकीब को हमने प्लान बी इसीलिए कहा है क्योंकि इस प्लान के तहत रेलवे ने 2000 रुपए की मधुमक्खी खरीदी है और इस मधुमक्खी की आवाज सुनकर हाथी ट्रैक पर नहीं आते, जिस वजह से दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। दरअसल हाथियों को रेल की पटरियों से दूर रखने के लिए रेलवे पहले भी कई प्रयोग कर चुका है। इसके लिए कई जगह अलार्म सिस्टम भी लगाए गए थे जो समय समय पर बजते थे, खासकर तब जब कोई ट्रेन आने वाली होती थी, लेकिन रेलवे का यह प्रयास कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद रेलवे ने एक शोध में पाया कि हाथी मधुमक्खियों की आवाज से दूर भागते हैं। इसके लिए असम के ग्वालपाड़ा डिवीजन के 2-3 पॉइंट्स पर ये डिवाइस लगाई गई, जिससे मधुमक्खियों की आवाज आती है। इन 3 पॉइंट पर ये डिवाइस पूरी तरह से सफल रही। रेलवे सूत्रों की माने तो डुआर्स क्षेत्र में बड़ी लाइन 3 नंबर रेल मार्ग पर साल 2015 तक ट्रेन से कटकर कुल 62 हाथियों की मौत हो चुकी है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृत्यु की संख्या 77 है। हाल ही में किए गए उपायों के तहत 2016 से लेकर 2017 के बीच डुआर्स के इस रेल मार्ग पर एक भी हाथी की मृत्यु नहीं हुई, जो कि एक अच्छी खबर है। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।